ये बस इतना कहना चाहूंगी कि अपने जो हित में हो सके आगे वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा और क्लीन और एक हेल्दी वर्ल्ड छोड़ के जाइए, क्योंकि इन बच्चों की कोई गलती थी नहीं, इनकी एल्डर जनरेशन ने, हमने सब ने जैसे जैसा वर्ल्ड बना दिया है जिसकी वजह से इस तरह की जो बीमारियां आ रही हैं इतने छोटे छोटे बच्चों को, एटलीस्ट अपने जो आपके हाथ में है कुछ ऐसा करिए कि आपका वर्ल्ड एक अच्छा साफ हेल्दी वर्ल्ड बन सके, ताकि आगे वाली जनरेशन सफ़र ना करे, नहीं तो ऐसे काउंटलेस केसेस होने लग जाएंगे। देखिए, हर एक कंट्री के ना शॉर्टकमिंग्स और पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। अब मैं या तो शॉर्टकमिंग को लेके बैठ जाऊँ, उस पर मैं उंगली करती रहूँ और मतलब उस पर क्रिप करती रहूँ, या फिर मेरे जो हाथ में कुछ अच्छा करने को है मैं क्या कर रही हूँ उसके लिए, मैं कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूट करूँ। मैं ना एक आधे ग्लास को आधा भरा हुआ देखना पसंद करती हूँ। मैं इस बात शॉर्टकमिंग्स हर कंट्री के अंदर होती हैं, मैं क्या कर रही हूँ उसके उसको मेकअप करने के लिए, मेरे को उस पर ध्यान देना है। मैं उंगली उठाना उठा उठा के मैं थक चुकी हूँ, मुझे करना नहीं है। एक्चुअली मैं ना इवेंट पे कम नज़र आती हूँ और मैं जो चीज़ें करती भी हूँ, मेरे को कई बार लोग बोलते हैं कि अच्छा भी इसके बारे में बात करते हैं जो आपने किया, मतलब मेरा एक अजीब सी लाइन थी, कई लोग उसको गलत इंटरप्रेट भी करते हैं कि अगर मैं अपनी चैरिटी के बारे में बात करना शुरू कर दूँ तो देन आई एम द चैरिटी। सो मैं वो किया नहीं है मैंने आज तक। कॉजेस वो सपोर्ट करती हूँ जिनके लिए मैं कुछ ऑलरेडी कर रही हूँ, और वो आके मैं बोलूँ कि मैं ये कर रही हूँ तो तुम करो, ये नहीं होता है। मैं आके बोलूँगी आप करिए, आपका दिल, आपके दिल को ये बात छूती है तो करिए। जो लोग मेरी बात सुनते हैं, मेरी वैल्यू है उनकी लाइफ में कुछ, तो शायद वो मेरी बात सुनेंगे, उससे मेरा मैं क्या कर रही हूँ पीछे कैमरे के इफ़ेक्ट नहीं होता। वो इतना बोलूँगी मेरे करियर का सबसे बड़ा चैलेंजिंग रोल है ये, मैं हमेशा से बोलती आई हूँ। इससे बड़ा चैलेंज तो शायद वो भी नहीं था जब मैंने ये सोचा कि चलो एक्टिंग करके देखते हैं। तो ये बहुत चैलेंजिंग चीज़ कर ली है मैंने, बट रिग्रेट नहीं है, इनफैक्ट एक्साइटेड हूँ, एंक्शियस हूँ। टीज़र का रिस्पॉन्स देखने के बाद और भी एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ चुका है मेरे और भूमि के बीच में। सो हम अब लग रहा है दिवाली जल्दी आ जाए। सर, कभी भी जब हम रेडियो पर कोई कैंपेन करते हैं, मीडिया में इन जनरल कुछ चीज़ें होती है, तो हम जानते हैं कि एक एक्टर या एक सेलिब्रिटी उसके साथ एसोसिएटेड हो तो उसका लेवल ऊपर जाता है, अवेयरनेस उसके बारे में होती है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था जब हम लोगों ने ये 10 लाख रुपए भी रेज करने की कोशिश की, जितने लोगों तक पहुँच सके, क्योंकि मुंबई में तो हम लोग बिग एफ एम हैं, बट बाहर के शहर जहाँ पर की शक्ति की कहानी नहीं पहुँची है वो कैसे पहुँचेगी। एंड वी आर थिंकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ एक्टर्स, बट वी वॉन्टेड समवन, इनफैक्ट हमारी पूरी प्रोग्रामिंग टीम बैठी है, एंड वी आर जस्ट थिंकिंग कौन वो एक्टर्स हैं विच एक्चुअली मेक सेंस, जो कि सेंसिबल टॉपिक्स को डिस्कशन बनाते हैं। एंड दिस इज़ समथिंग जिसको सर मैं पर्सनली चाहता हूँ कि जिसके बारे में डिस्कशन हो, कैंसर, बिकॉज माई सिस्टर इज़ गोइंग थ्रू दैट। ऑब्वियसली आई नो हर, वो तो एक एडेड एडवांटेज है ही, बट उसके अलावा यूनानिमसली पूरी टीम ने कहा हाँ तापसी, जैसे ही मैंने कहा क्या तापसी, एंड एवरी वन वॉज लाइक यस तापसी, बिकॉज वी वॉन्टेड समवन जो सिर्फ वो, जैसा एक बड़ा अच्छा सवाल आपने कहा था कि सिर्फ इवेंट पर आके ना चला जाए, एंड आई नो हर, शी इज़ नॉट दैट सेलिब्रिटी। तो अगर वो कॉन्फिडेंस किसी के ऊपर है और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतने साफ दिल से कुछ किया है हमने रेडियो पर, और पूरी मुंबई ने ये अमाउंट अगर इकट्ठा किया है, देन वाई नॉट।